तो दोस्तों आपने वो कहावत तो सुनी होगी, जो जंग में जाने से पहले जितना पसीना बहाता है जंग में उतना ही उसका कम लहू बहता है। तो वही सब चीज़ें हमारे एग्जाम में या जीवन में किसी भी परिस्थिति को लड़ने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जंग में जाने से पहले या एग्जाम में जाने से पहले आप जितने अपने जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं या अपना दिमाग है या अपनी रिवीजन है जितनी बेहतर करोगे उतने ही अच्छी आप परफॉर्मेंस भी दे पाओगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईएएस में और मैं हूं आपका दोस्त, आपका एजुकेटर अमन शर्मा, और लेकर आया हूं एक और नया लेसन हमारे क्रैश कोर्स में, जो कि हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी की न्यूज़ कवर कर रहे हैं। तो ये है लेसन नंबर 5। तो आज थोड़ा डिफरेंट वे में हम लोग सारी की सारी चीज़ें करेंगे क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं और समय बहुत कम है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं काला अजहर से। तो काला अजहर एक डिजीज़ है जिसे हम लोग ब्लैक फीवर या डमडम फीवर के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ द मोस्ट सीवियर फॉर्म ऑफ लिशमेनियासिस। इट इज़ अ जूनोटिक इन्फेक्शन, मतलब एक पैरासाइटिक इन्फेक्शन है। याद रखना, ये मैच द फॉलोइंग में इस तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं कि डिजीज़ को इन्फेक्शन किस टाइप का है उसके साथ मैच करो। तो काला अजहर इज़ अ पैरासाइटिक इन्फेक्शन जिसको ट्रांसमिट करता है सैंड फ्लाई। तो सैंड फ्लाई का अगर हम लोग साइंटिफिक नेम की बात करें तो वो होता है लैशमानिया डोनोवानी। ये एक ब्लड सकिंग पेस्ट होता है जो कि 1/3 ऑफ द साइज ऑफ मॉस्किटोज के आसपास होता है। जहाँ पे थोड़ा ह्यूमिड टेम्परेचर होता है वहाँ पे पाए जाते हैं। साथ ही काला अजहर के जो साइंस हैं या सिम्टम्स हैं वो इस तरीके के होते हैं, जैसे नॉर्मल फीवर, वेट लॉस, फटीग, अनीमिया, तो ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं। साथ ही जो लिवर या स्प्लीन होता है वो हमारा थोड़ा सा स्वेल अप हो जाता है। इट इज़ ट्रीटेबल एंड रिक्वायर्स अ मेडिकल डायग्नोसिस। याद रखना है, ट्रीटेबल है, ऐसा नहीं है कि अगर इससे भी कोई बीमार हो गया तो सीधा जान चली जाएगी। इफ़ अनट्रीटेड काला अजहर कैन किल विद इन 2 ईयर्स ऑफ ऑनसेंट ऑफ एलमेंट, पर अगर आपने ट्रीट नहीं किया तो जान भी ले सकता है। तो काला अजहर बिलोंग्स टू नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज एनटीडी फैमिली से ये रिलेट करता है जो कि पुअरेस्ट पॉपुलेशन को इफेक्ट करती है। साथ ही इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट पैरासिटिक किलर इन वर्ल्ड आफ्टर मलेरिया। तो मलेरिया भी एक तरीके का पैरासिटिक किलर है, ठीक है। इट इज एंडेमिक टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट इन 119 डिस्ट्रिक्ट इन 4 कंट्रीज, बेसिकली बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल के अंदर, BBIN नेशंस के अंदर, और इंडिया अकाउंट फॉर हाफ द ग्लोबल बर्डन ऑफ द काला अजहर डिजीज। साथ ही द हिंदू के अंदर ये एक पूरा का पूरी कटिंग आई थी व्हाट इज़ काला अजहर के बारे में, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। सबसे बड़ी चीज़ है कि इंडिया का जो काला अजहर है उसके पास कुछ यूनिक फीचर हैं कि वो एंथ्रोपोनॉटिक है। एंथ्रोपोनॉटिक का मतलब क्या होता है, ये वो डिजीज होती हैं जो कि ह्यूमन से एनिमल में ही फैल सकती हैं, मतलब ह्यूमन से एनिमल में फैल रही हैं, आप इस चीज़ को याद रखना। साथ ही फीमेल सैंड फ्लाइज पिक अप पैरासाइट वाइल फीडिंग ऑन इन्फेक्टेड ह्यूमन होस्ट। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो आपको काला अजहर के बारे में याद रखनी है। साथ ही रिसेंटली एक और डिस्कवरी हुई थी कि आपके घर में जो कड़ी पत्ता होता है जो कि कड़ी में डलता है और अक्सर आपको पेड़ भी दिख जाएंगे, तो उनकी भी ट्रीटमेंट हम लोग कर सकते हैं इस्तेमाल काला अजहर से डील करने के लिए। और ये हमारी जो चीज़ें हैं ये हमारे वेदास के अंदर लिखी हुई हैं, तो उन चीज़ों को हम लोग अब यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो याद रखना कि जो कड़ी पत्ता है हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं टू ट्रीट दी काला अजहर। तो बात करते हैं अपने अगले टॉपिक पे, नाम है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। तो साइंटिस्ट ने फाइनली डिटेक्ट कर ली है डस्ट बेल्ट अराउंड द प्रॉक्सिमा सेंचुरी, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइंडिंग हो गई है प्लेनेटरी सिस्टम से रिलेट करते हुए। देखो, जो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है वो सबसे क्लोजेस्ट स्टार है टू आर सोलर सिस्टम। इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कशन किया था। जो नई ऑब्जर्वेशन है इसको लिया है एटाकामा लार्ज मिलीमीटर एरे ने, जो कि लोकेटेड है चिली के अंदर। जो नई ऑब्जर्वेशन है वो रिवील करती हैं एमिशंस फ्रॉम क्लाउड ऑफ कॉस्मिक डस्ट सराउंडिंग स्टार्स। तो कह सकते हैं कि शायद उस स्टार के आसपास जो अर्थ जैसे प्लैनेट्स हैं वहाँ पर लाइफ भी हो सकती है, क्योंकि वो डस्ट इतनी ज़्यादा रिलीज कर रही हैं। साथ ही 1 to 4 times एज फार फ्रॉम प्रॉक्सिमा सेंचुरी एज अर्थ इज फ्रॉम सन। इट ऑल्सो रिवील्स प्रेजेंस ऑफ इवन कूलर आउटर डस्ट बेल्ट एंड मे इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ सिस्टम्स ऑफ प्लैनेट्स। तो ये जो डिस्कवरी है इसने यही बता दिया है कि शायद बहुत सारे प्लैनेट का सिस्टम भी हो सकता है प्रॉक्सिमा सेंचुरी के अराउंड। दीज स्ट्रक्चर्स आर सिमिलर टू मच लार्जर बेल्ट इन द सोलर सिस्टम। जिस तरीके से हमारे सोलर सिस्टम में भी डस्ट की बेल्ट होती हैं उसी तरीके की ये सारी की सारी बेल्ट हैं। थोड़ा डिस्कशन ले लेते हैं प्रॉक्सिमा सेंचुरी के बारे में। तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी अर्थ का सबसे क्लोजेस्ट स्टार है, साथ ही ये एक फेंट रेड ड्वार्फ स्टार है जो कि 4
लाइट ईयर्स अवे है हमारी सदर्न कॉन्स्टिलेशन से, साथ ही इसके अराउंड प्रॉक्सिमा सेंचुरी बी रोटेट कर रहा है, जो कि बिल्कुल अर्थ जैसा प्लेनेट हम लोग कह रहे हैं कि वो हैबिटेबल हो सकता है अर्थ की तरह। तो जो हैबिटेबल जोन है उसको डिस्कवर किया गया था 2016 के अंदर। आप अपनी स्क्रीन के राइट हैंड साइड में देख सकते हो सन के जो ऑर्बिट्स हैं उससे 4 लाइट ईयर्स अवे है प्रॉक्सिमम सेंचुरी, उससे थोड़ा सा दूर है एल्फा सेंचुरी, और फिर थोड़ा सा दूर है बर्मान स्टार, फिर वाइस 1049 और उसके बाद वाइस 0855। तो बात कर लेते हैं अल्मा ऑब्जर्वेटरी के बारे में। इट्स अटाकामा लार्ज मिलीमीटर या सब मिलीमीटर अरे ऑब्जर्वेटरी। ये एक अरे है ऑफ रेडियो टेलीस्कोप, अरे मतलब एक तरीके का स्टैक है, एक साथ लगी हुई हैं बहुत सारी रेडियो टेलीस्कोप जो कि चिली के अंदर लोकेटेड है। अगर आपको नहीं पता है चिली कहाँ पे है, तो साउथ अमेरिका में पड़ता है चिली, बिल्कुल अर्जेंटीना के साथ में, ठीक है, बिल्कुल कोस्टल एरिया है। इट इज कंपोज ऑफ 66 हाई प्रिसीजन एंटीनाज यहाँ पे लगे हुए हैं, जो कि साइंटिस्ट की मदद करते हैं एस्ट्रोनॉमिकल मिस्ट्रीज को खोज निकालने में, बेसिकली जो कि कॉस्मिक ओरिजिन से हैं। इसका मेन मकसद है ब्लैक होल की अच्छी सी इमेज देना, जिससे ब्लैक होल के बारे में हम और भी ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकें। जो हमारी अल्मा ऑब्जर्वेटरी है वो इंटरनेशनल पार्टनरशिप है ऑफ यूरोपियन सदर्न ऑब्जर्वेटरी, यूनाइटेड स्टेट्स नेशनल साइंस फाउंडेशन एंड द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल साइंस, जो कि जापान का है। उसके साथ साथ एनआरसी कनाडा, एनसीएस, आसिया ताइवान, कासी ऑफ रिपब्लिक ऑफ कोरिया इन कॉपरेशन विद द गवर्नमेंट ऑफ चिली। बढ़ते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कवरी की तरफ, इंडिया की डिस्कवरी है, क्वेश्चन बन सकता है, मूसा परमजीतियाना। तो बोटानिस्ट ने डिस्कवर कर दिया एक नई स्पीसीज ऑफ वाइल्ड बनाना जिसका नाम है मूसा परमजीतियाना, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के अंदर हमें मिली है। प्लीज प्लेस याद रखना कि कहाँ पे मिली है, इतना बड़ा बनाना है ये जिसका नाम है मूसा परमजीतियाना और अंडमान एंड निकोबार के अंदर मिली है। इसका जो नाम है वो हमने इन ऑनर ऑफ परमजीत सिंह जी के नाम पे रखा है, जो कि डायरेक्टर हैं ऑफ दी बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया। बीएसआई मूसा परमजीतियाना स्पीसीज वाज डिस्कवर्ड इन नॉर्थ अंडमान कृष्णापुरी फॉरेस्ट 6 किलोमीटर फ्रॉम एनी ह्यूमन हैबिटेशन। साथ ही मूसा परमजीतियाना के बारे में और चीजें डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली इनकी हाइट है 9 मीटर के आसपास की। बेसिकली ये एडिबल है, स्वीट एंड सॉर इनका थोड़ा सा टेस्ट है, बोट शेप्ड इनका स्ट्रक्चर है, बल्ब शेप्ड इनकी शीप होती है। साथ ही फ्रूट ऑफ मूसा परमजीतियाना इज पार्ट ऑफ डाइट ऑफ लोकल ट्राइब्स, तो जो उसके आसपास की जो लोकल ट्राइब्स हैं, बेसिकली हमारी इंडिजीनियस प्रिमिटिव ट्राइब्स हैं, एबोरिजिनल ट्राइब्स हैं, वो लोग इसको एज अ डाइट के रूप में लेती हैं। इट्स फूड एंड सीड्स हैव एथनोमेडिकल इंपॉर्टेंस, मेडिसिनल इंपॉर्टेंस भी है। साथ ही स्यूडो स्टेम एंड लीव्स ऑफ दिस स्पीसीज आर ऑल्सो यूज ड्यूरिंग रिलीजियस एंड कल्चरल सेरेमनीज। बेसिकली साउथ इंडिया के अंदर जो हमारा बनाना है या बनाना ट्री है उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है, तो कहीं ना कहीं उसका कल्चर भी हम लोगों को देखने को मिलता है अंडमान एंड निकोबार के अंदर। इट्स कंजर्वेशन स्टेटस हैज बीन डिक्लेयर्ड एज क्रिटिकली एंडेंजर्ड, इसको क्रिटिकली एंडेंजर्ड भी घोषित कर दिया गया है, और अभी तक सिर्फ 2 ही लोकेशन में मिला है उस आइलैंड के अंदर। ईच विद द 6 to 18 प्लांट्स, सिर्फ 6 या 18 प्लांट ही मिले हैं। साथ ही नो पॉपुलेशन हैज बीन लोकेटेड इन अदर रीजन्स ऑफ दिस आइलैंड एज वेल एज और भी किसी और कंट्री में इस तरीके का हमें बनाना नहीं मिला है। बात करते हैं सांबा मसूरी के बारे में। द हैदराबाद बेस्ड सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी CCMB ने इन एसोसिएशन विद द IRRR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस एंड रिसर्च ने एक इम्प्रूव्ड वेराइटी बनाई है सांबा मसूरी की। बेसिकली सांबा मसूरी इज अ टाइप ऑफ राइस जिसका बहुत ही कम ग्लिसेमिक इंडेक्स होता है, और जो इम्प्रूव सांबा मसूरी है उसका और भी ज़्यादा कम ग्लिसेमिक इंडेक्स है। ग्लिसेमिक इंडेक्स क्या होता है हम लोग अगली स्लाइड में डिस्कस करने वाले हैं। तो राइस विद लो GI इज कंसिडर्ड सुटेबल फॉर पीपल विद डायबिटिक्स, तो जिन लोगों को डायबिटीज होती है उनके लिए लो GI या लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स की जो राइस होती है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है, तो उनकी जो डायबिटीज है वो उससे इफेक्ट नहीं होती। साथ ही कंजम्पशन ऑफ फूड विद लो GI रिजल्ट इन स्लो रिलीज ऑफ ग्लूकोज इन टू द ब्लड स्ट्रीम रिड्यूसिंग द इल इफेक्ट ऑफ डायबिटीज, तो जितना कम GI होता है उतना ही जो ग्लूकोज की जो मात्रा होती है वो बहुत कम रिलीज होती है हमारी ब्लड स्ट्रीम के अंदर। तो जब ग्लूकोज कम रिलीज होगा तो वो डायबिटीज को नहीं बढ़ाएगा और डायबिटीज के इल इफेक्ट को उजागर नहीं करेगा। तो चलो डिस्कस कर लेते हैं कि ये लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स
ग्लिसेमिक इंडेक्स या ग्लिक या मिक इंडेक्स, दो नाम से हम लोग इसको जानते हैं। ये नंबर एसोसिएट करता है कि कार्बोहाइड्रेट किस मात्रा में है किस पर्टिकुलर फूड के अंदर। उसको दिखाता है कि कार्बोहाइड्रेट कितना इफेक्ट कर सकते हैं, कितना एक्साइट कर सकते हैं किसी पर्सन के ब्लड ग्लूकोज को या ब्लड शुगर लेवल को। यहाँ पे अ वैल्यू ऑफ 100 रिप्रेजेंट्स द स्टैंडर्ड एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ प्योर ग्लूकोज। तो अगर 100 आता है तो मतलब यहाँ पे प्योर ग्लूकोज है, बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट है, बहुत ज़्यादा आपको डायबिटिक को इल इफेक्ट दे सकता है। तो जी आई रिप्रेजेंट द राइज इन अ पर्सन ब्लड शुगर लेवल 2 आवर्स आफ्टर द कंजम्पशन ऑफ द फूड। तो मतलब आपने कोई चीज़ खाई, वो उसके 2 घंटे बाद ब्लड शुगर लेवल को कितना बढ़ा देगी, वो आपका जीआई बताता है, ग्लिसेमिक इंडेक्स बढ़ाता है। तो ग्लिसेमिक इंडेक्स यहाँ जो हमने राइस पीछे डिस्कस करी उसका बहुत ही कम था, तो मतलब वो जो ब्लड ग्लूकोज है या ब्लड शुगर लेवल है वो बहुत ही कम एक्साइट करेगा 2 आवर्स बाद, जो डायबिटिक पेशेंट होंगे उनके लिए बहुत ही ज़्यादा सुटेबल है। तो ग्लिसेमिक इफेक्ट ऑफ फूड डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ फैक्टर्स, जैसे उसके अंदर किस टाइप का कार्बोहाइड्रेट है, फिजिकल एंट्रैपमेंट कैसा है कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल का, फैट एंड प्रोटीन कंटेंट कितना है फूड के अंदर, ऑर्गेनिक एसिड कैसे हैं, सॉल्ट कैसा है आपकी मील के अंदर। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो याद रखना ग्लिसेमिक इंडेक्स इज रिलेटेड टू दी कार्बोहाइड्रेट्स एज वेल एज दी ब्लड ग्लूकोज लेवल या ब्लड शुगर लेवल। तो इम्प्रूव्ड सांबा मसूरी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, इसका बहुत ही कम जीआई है, अभी तक का सबसे कम जीआई है 50.99 का। बेसिकली नॉर्मली 53 to 70 हम लोग राइस वैरायटीज़ में अपना पाते हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि हमने एक इम्प्रूव्ड वैरायटी बना ली है। बेसिकली और भी ज़्यादा पोटेंशियल और प्रॉफिट देने वाली है हमारी फार्मर्स को, क्योंकि राइस जितनी ज़्यादा अच्छी होगी उतनी ज़्यादा महंगी भी होगी। साथ ही द मॉलिकुलर ब्रीडिंग ऑफ ISM वॉज डन इन CCMB और ट्रेडिशनल राइस ब्रीडिंग के साथ इसको रिएक्ट किया गया। तो जो नई वैरायटी है इज नॉट अ ट्रांसजेनिक वन, थस इम्प्रूव्ड यील्ड ऑफ अप टू 40%। तो 40% इम्प्रूव्ड यील्ड भी हुई है। साथ ही ISM हैज बिन ग्रोन इन 1.3 लाख हेक्टेयर, 7 स्टेट के अंदर हमने इसे ग्रो भी करके देख लिया है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अंदर। बढ़ते हैं एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कवरी की तरफ, नाम है ग्लेडोविया कोन्याकोनूरम। तो बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साइंटिस्ट ने डिस्कवर कर लिया है न्यू स्पीसीज ऑफ पैरासाइटिक फ्लावरिंग प्लांट जिसका नाम है ग्लेडोविया कोन्याकोनूरम। जो तो स्पीसीज है इट वॉज नेम्ड इन ऑनर ऑफ कोन्याक ट्राइब ऑफ नागास जिसके एरिया के अंदर ये मिली है। साथ ही द प्लांट वॉज डिस्कवर्ड इन द सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट जिसका एल्टीट्यूड है अप्रॉक्सीमेटली 1500 to 1600 meters ड्यूरिंग एन एक्सप्लोरेशन नियर टोबू टाउन मॉन डिस्ट्रिक्ट इन ईस्टर्न नागालैंड। तो याद रखना ये जो पैरासिटिक प्लांट है जिसका नाम है ग्लेडोविया कोन्याकोनूरम वो मिला है हमें नागालैंड के अंदर। साथ ही पैरासिटिक प्लांट्स आर ऑफन रेफर टू एज क्यूरियस प्लांट्स एज दे स्टील देयर न्यूट्रिशनल नीड्स फ्रॉम द होस्ट। तो पैरासिटिक प्लांट्स या पैरासाइट जो होते हैं वो जो अपने जो होस्ट होते हैं उनसे फूड लेते हैं, उनसे उनका न्यूट्रिशनल नीड्स लेते हैं, इसलिए उनको पैरासाइट कहते हैं। तो इसीलिए वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस प्लांट्स होते हैं। साथ ही ये एक हेलो पैरासाइट है, मतलब ये कंप्लीटली पैरासाइट है, अपनी तरफ से ये बिल्कुल भी खाना नहीं बनाता, सारा का सारा न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट अपने होस्ट प्लांट से लेता है। और इसका जो होस्ट प्लांट की जो स्पीसीज हो है वो है स्ट्रोबिलियंथिस स्पीसीज। इसके पास कोई भी क्लोरोफिल नहीं है, तो क्लोरोफिल नहीं होगा तो ये अपना फूड भी नहीं बना पाएगा यूजिंग द सनलाइट जो हमने अपने पार्ट नंबर 3 में पहले ही डिस्कस हम लोग कर चुके हैं। साथ ही दो इट हैज नो क्लोरोफिल द प्लांट हैज अ वस्कुलर सिस्टम, क्लोरोफिल नहीं है पर एक वस्कुलर सिस्टम है जिससे वो एक न्यूट्रिशन एक्सट्रैक्ट कर सकता है अपने होस्ट प्लांट से विद द हेल्प ऑफ होस्टोरियम। तो होस्टोरियम एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर होता है किसी प्लांट पैरासाइट के अंदर जिसकी मदद से वो किसी होस्ट प्लांट के साथ अपने आप को अटैच कर पाते हैं और उसके अंदर से न्यूट्रिशन एक्सट्रैक्ट भी कर पाते हैं। साथ ही जो हमारा ग्लोडोविया है वो रूट पैरासाइट है, मतलब जो रूट्स हैं उसके अंदर भी ग्रो कर सकता है, एंड बियर्स वाइट एंड टेबुलर फ्लावर्स भी इसमें होते हैं। तो रूट से लेकर बिल्कुल स्टेम तक ये ग्रो करता है। इट इज़ द फोर्थ स्पीसीज फ्रॉम द जीनस ग्लेडोविया जो कि पूरे के पूरे दुनिया में मिली है। जो बाकी जो स्पीसीज हैं वो हमें मिली है मणिपुर में, एक स्पीसीज मिली है हमें ग्लेडोविया बेंजियाना उसका नाम है। इसके साथ साथ चाइना में एक स्पीसीज मिली है हमें, उत्तराखंड के अंदर एक स्पीसीज मिली है जो कि चाइना के अंदर भी मिली थी जिसका नाम है ग्लेडोविया रुबोयम, एंड इट्स प्रोटेक्टेड स्टेटस हैज बीन स्काई डेटा डिफिशियंट कि इसका डेटा पूरी तरीके से नहीं है। तो डेटा डिफिशियंट भी एक तरीके की लिस्ट होती है IUCN की रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटन स्पीसीज के अंदर, मतलब जिन स्पीसीज का डेटा डिफिशियंट नहीं है तो हम लोग घोषित नहीं कर सकते क्योंकि वो एंडेंजर्ड है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है या वल्नरेबल है, तो उन्हें डेटा डिफिशियंट की लिस्ट में रख लेते हैं। तो जो ग्लोडोविया कोन्याकोनूरम है वो आती है डेटा डिफिशियंट के अंदर।
बढ़ते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कवरी की तरफ। तो साइंटिस्ट फ्रॉम दी ब्रॉड इंस्टीट्यूट एंड मैचर्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में लोकेटेड है, उन्होंने एक जो नया जीन एडिटिंग टूल को डिस्कवर किया है। उसका नाम रखा है आरएनए एडिटिंग फॉर प्रोग्रामेबल ए टू वाई रिप्लेसमेंट, शॉर्ट फॉर्म रिपेयर। तो रिपेयर किसको कर रहे हैं? जीन्स को। तो एक नई जीन टूल है जो कि आरएनए लेटर्स को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देती है विदाउट चेंजिंग दी एंटायर जीनोम। तो पूरा जीनोम को बगैर चेंज किए हुए बस जितनी चीज़ की ज़रूरत है उसको बदल देती है, जिसकी मदद से हम लोग रिवर्स कर सकते हैं डिजीज़ कॉजिंग म्यूटेशंस को। तो जिन लोगों में डिजीज़ कॉजिंग म्यूटेशंस होता है उनमें सिर्फ उस पर्टिकुलर पार्ट को ये लोग डिस्प्लेस कर सकते हैं। तो रिपेयर इज़ बेस्ड ऑन जीन एडिटिंग टूल जिसका नाम है क्रिस्पर। आपने न्यूज़पेपर में सुना होगा क्रिस्पर के फुल फॉर्म है क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस शॉर्ट पेलिंड्रोमिक रिपीट्स। तो ये मॉडिफाई करता है डीएनए इन दी सेल्स। जो ये नया टूल है ये चेंज कर सकता है सिंगल आरएनए न्यूक्लियोसाइड, इसलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेमेलियन सेल्स के अंदर। तो इसको इम्प्लीमेंट भी हमने कर लिया था एनिमल्स के ऊपर, ठीक है। दे हैड सेलेक्टेड एंजाइम्स, तो बहुत सारे एंजाइम्स इन्होंने डिस्कवर किए, वो हमारे लिए पीएचडी इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। तो बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं वर्ल्ड स्मॉलेस्ट डेटा रिकॉर्डर के बारे में। तो रिसर्चर फ्रॉम द कोलंबिया यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर, उन्होंने नेचुरल बैक्टीरिया इम्यून सिस्टम को कन्वर्ट कर दिया इनटू द वर्ल्ड स्मॉलेस्ट डेटा रिकॉर्डर। तो रिसर्चर ने मॉडिफाई किया एक ऑर्डिनरी लेबोरेटरी के अंदर एक स्ट्रेन ऑफ उबिग्यूटस ह्यूमन गट माइक्रोब, या जो ह्यूमन हमारे जो अंदर एक माइक्रोब होता है, बैक्टीरिया होता है, एस्चेरिस कोली उसका नाम होता है, ई कोली के नाम से हम लोग जानते हैं उस, वो रिकॉर्ड भी कर सकता है कुछ इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट, ऑल्सो द टाइम स्टैम्प इवेंट्स। तो उसको कन्वर्ट कर दिया गया एज द वर्ल्ड स्मॉलेस्ट डाटा रिकॉर्डर। तो द माइक्रोस्कोपिक डेटा रिकॉर्डर वॉज क्रिएटेड बाई टेकिंग एडवांटेज ऑफ द क्रिस्पर कास द इम्यून सिस्टम इन मैनी स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया। क्रिस्पर के बारे में हमने कुछ चीज़ें पीछे ही डिस्कस करी थी। तो क्रिस्पर कास कॉपीज द स्निपेट्स ऑफ डीएनए, डीएनए को कॉपी करता है और कुछ चीज़ों को मॉडिफाई भी कर सकता है। तो उसकी मदद से हमने दे बिल्ड किया एक माइक्रोस्कोपिक रिकॉर्डर, ठीक है। तो जो डीएनए है उसको मॉडिफाई कर दिया गया, जिसको हम लोग प्लाज्मिड कहते हैं, और उसको फिर बना दिया गया वर्ल्ड का सबसे छोटा रिकॉर्डर। तो ये एक्सटर्नल सिग्नल भी ले सकता है, बहुत सारे काम कर रहा था। बढ़ते हैं आगे, वर्ल्ड का फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पॉलिटिशियन के बारे में। तो न्यूजीलैंड के साइंटिस्ट ने डेवलप कर दिया है वर्ल्ड का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पॉलिटिशियन, जिसका नाम है सैम। इसको क्रिएट किया है निक गैरिसन ने, जो कि एक एंटरप्रेन्योर है, न्यूजीलैंड के अंदर रहते हैं। ये एक वर्चुअल पॉलिटिशियन है सैम, जो कि सारी की सारी क्वेरी आपकी रिजॉल्व कर देगा, लोकल इश्यूज से रिलेटेड बेसिकली पॉलिसीज बताएगा आपको, हाउसिंग से, एजुकेशन से, इमिग्रेशन से रिलेटेड। साथ ही इट कॉन्स्टेंटली लर्न्स टू रिस्पॉन्ड टू पीपल थ्रू फेसबुक मैसेंजर। तो फेसबुक मैसेंजर के साथ इसे लिंक किया गया है, फेसबुक मैसेंजर के जो मैसेजेस होते हैं उनको भी ये रिस्पॉन्ड करेगा, एज वेल एज कुछ सर्वे भी करेगा अपने होम पेज के अंदर। तो अगर इस तरीके के पॉलिटिशियन इंडिया में भी आ जाएं तो अच्छा ही होगा। साथ ही बीच में खबर आई थी कि ये जो रोबोट है ये चाहता है कि आगे जाके मैं एक प्राइम मिनिस्टर बनूं। तो आप खुद सोच सकते हो कि अगर ये आगे जाके प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो देश में क्या क्या बदलाव आ सकते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस हद तक पहुंच गई है इसका अंदाज़ा हम लोग इस प्राइम मिनिस्टर को देख के लगा सकते हैं। तो उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा आज का लेक्चर। तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, क्योंकि अगर आप हमें लाइक देते हो तो हमें मिलता है बहुत सारा मोटिवेशन। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हुए थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर गाइस, एंड हैव अ गुड डे अहेड।